ऑलराइट, तो मैं ये फिटनेस टॉपिक्स कई दिन से इग्नोर कर रहा था। एक्चुअली मैं अपने खुद के स्ट्रेंथ और वेट ट्रेनिंग को काफी दिन से इग्नोर कर रहा था, पर है हर इंसान को हाल फिलहाल में थोड़ा ब्रेक चाहिए। हर इंसान को एटलीस्ट महीने में एक बार थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। अब मैंने तो अपनी ब्रेक ले लिया, बात करते हैं आपके मोटिवेशन की। 5 ऐसे इजी एक्सरसाइजेस जो आपको ज्यादा मस्कुलर ही नहीं बट ज्यादा ताकतवर भी बनाएगी। 5 बड़े बेसिक एक्सरसाइजेस जो अगर आपने अभी तक किया नहीं है तो आपको जरूर एक बार तो कोशिश करनी पड़ेगी। जेंटलमैन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स। बहुत हो गई ये फालतू बातें, आखिर इस एवरेज बॉडी में फंसे रहे कब तक। चलो फिर शुरू करते हैं इंट्रो। ओके, तो सबसे पहली बात, मैं कोई सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ, मैं कोई सर्टिफाइड फिटनेस कोच नहीं हूँ। मेरा 6'1" हाइट है, मेरा 75 किलो वजन है, मैं कुछ 7.5-8 साल से वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, सेंट ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इस चैनल के सारे वीडियोस मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित है। हाँ, मुझे थोड़ी बहुत फिटनेस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और पावर लिफ्टिंग की समझ है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ाई की। अगर आपको इन जनरल इन स्पेसिफिकली अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइप की ट्रेनिंग चाहिए तो प्लीज़ एक अच्छे ट्रेनर को कंसल्ट करो। ये हो गया क्लियर, चलो शुरू करते हैं हमारा मेन वीडियो। तो पहला एक्सरसाइज जो बहुत जन करते नहीं है, पहला एक्सरसाइज जो मेरे ख्याल से सारे बंदों या सारे इंसान को करना चाहिए जिम में, क्योंकि ये बहुत ही अंडररेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके चेस्ट के लिए, वो है डिक्लाइन बेंच प्रेस। डिक्लाइन डंबल बेंच प्रेस, बार नहीं डंबल्स। जेंटलमैन, अगर आप अपने टॉर्सो को सिर्फ 10 या 15 डिग्री डिक्लाइन करते हो तो आप अपना चेस्ट बहुत ज़्यादा इंगेज करते हो, ज़्यादा इन कम्पेयर टू अ फ्लैट बेंच प्रेस। मगर अब इसका ये मतलब नहीं कि आपको फ्लैट बेंच मारना ही नहीं है, फ्लैट बेंच प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक पावर लिफ्टर हूँ, मुझे फ्लैट बेंच प्रेस की इंपॉर्टेंस पता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ फ्लैट बेंच मारो या सिर्फ डिक्लाइन बेंच मारो। डिक्लाइन बेंच का काम है टू गिव यू मोर साइज एंड टू गिव यू मोर स्ट्रेंथ, क्योंकि आप डिक्लाइन बेंच प्रेस में ज़्यादा वेट्स भी ले सकते हैं और आप अपने चेस्ट को और ज़्यादा इंगेज कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 2 जो बहुत जन नहीं करते हैं, बहुत जन खुशी खुशी इग्नोर करते हैं, वो है एक बेसिक सा पुलअप। लैट पुल डाउन नहीं, पुलअप। कहीं पर रॉड देखो, किसी का छत देखो, पकड़ो और पुलअप मारो। अभी मेरे घर में मैंने पुलअप बार डाल के रखा है, मेरे घर में छत है, मैंने उसको लटकाने के लिए बना के रखा है, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं कहाँ पर लटक रहा हूँ, क्यों लटक रहा हूँ, मुझे बस लटकना है और दिन में 30-40 पुलअप्स मारने। ये बेसिक सा गोल है, आप ट्राई करो, ये एक बड़ा इजी सा बड़ा इफेक्टिव सा वे है आपके बैक को ट्रेन करने का। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। कहीं कोई छत, दीवार या फिर एक छोटा सा पुलअप बार घर के लिए ले लो, लटको और दिन के 30-40 पुलअप मार लो। एक बार में नहीं, दिन में 6 बार करके 5-5 पुलअप का सेट मार के खत्म करो। पुलअप इज़ वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो सारे इंसान को, लड़का लड़की डजंट मैटर, इंसान को करना चाहिए। एनीवे, अब जो तीसरा एक्सरसाइज है, तीसरा एक्सरसाइज उतना भी इग्नोर नहीं है, उतना भी नेगलेक्टेड नहीं है, बट फिर भी लोग गलत करते हैं, वो है लंज। डंबल लंज नहीं, बारबेल लंज। बार आपके पीछे बैक पे, द सेम वे एज यू स्क्वाट, नहीं तो अपने ट्रेनर से पूछो द प्रॉपर रेंज, द प्रॉपर वे टू डू इट। बार लोड करो, वेट डालो और जेन्युइनली द वे यू शुड एक्चुअली डू अ लंज, डू इट द बेस्ट वे टू हैव द बिग अमेजिंग लेग्स। मतलब इससे अच्छा इफेक्टिव वे और कोई भी नहीं है आपके लेग साइज को बढ़ाने के लिए। अगर आपको बड़ा क्वाड्रिसेप्स चाहिए, अगर आपको बड़ा हैमस्ट्रिंग चाहिए, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग एस्थेटिकली प्लीजिंग टांगे या लेग्स चाहिए, तो आई गेस लंजेस आर अ होल लॉट मोर इफेक्टिव देन स्क्वाट्स। स्क्वाट्स आर बेसिकली फॉर स्ट्रेंथ। अगर आपको सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ानी है, जो मेरे ट्रेनिंग टाइप का फोकस है, तो फिर स्क्वाट्स आर दी ओनली वे आउट। लेकिन अगर आपको स्ट्रेंथ के साथ साथ साइज भी चाहिए, तो लंजेस आर दी सेकेंड वे आउट। आई मीन लंजेस आर दी ओनली थिंग दैट कैन ऐड इनक्रेडिबल साइज आपके लेग्स में व्हेन कंपेयर टू स्क्वाट्स। चलो अब चौथा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हमारे प्यारे एस के लिए, बिकॉज जेंटलमैन ग्लूट्स हमारे बॉडी का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ग्रुप है। अगर आपकी ग्लूट्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप सही ढंग से खड़े भी नहीं हो पाओगे। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट ग्लूट्स आर, दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ फॉर यू टू ट्रेन इट राइट, ट्रेन इट द बेस्ट वे। और दी ओनली एक्सरसाइज जो मैं चाहूँगा आप करें ग्लूट्स के लिए, वो है हिप थ्रस्टर्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है बट उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अगर आपको कुछ नीचे से उठाना हो, अगर आपको किसी को नीचे से उठाना हो, अगर आपको किसी के पीछे भागना हो, या अगर आपको हैवी स्क्वाट या डेड लिफ्ट या बेंच प्रेस या शोल्डर प्रेस मारना हो, आपके ग्लूट्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिप थ्रस्टर्स ट्राई करो, प्रॉपर रेंज प्रॉपर टेक्निक सीख लो, यू विल बी सरप्राइज बाई द कोर स्ट्रेंथ, यू विल बी सरप्राइज आप कितने स्ट्रॉन्ग खड़े हो और कितने स्ट्रॉन्ग चल रहे हो ऑल ऑफ अ सडन बाय जस्ट डूइंग सम बेसिक हिप थ्रस्टर्स। मगर अब जो पांचवा, जो आखिरी एक्सरसाइज मेरे हिसाब से सारे इंसान को, सारे लड़कों को करना चाहिए, वो है एक अच्छा सा लेग रेस।
अच्छा सा लग रहा है क्योंकि जेंटलमैन मेरे जिम में काफी सारे बंदर हैं जो बस लटकते हैं और लटकते ही रहते हैं। I mean, leg raise isn't only about hanging the bar and moving your leg back and forth. लटक के बस टांगे हिलाने से leg raise नहीं होती, आपको अपना pelvic bone को पूरा twist करना है, आपको अपने core को actually engage करना है ताकि आप अपने abs को work करें, आप अपने core muscles को work करें और इसको strong और एक wall type बनाएं। I mean, I have seen many people do this thing wrong. यार crunches भी लोग गलत मारते हैं। अगर आपका pelvic bone, अगर आपका जो hip bone है वो अगर twist नहीं हो रहा, अगर आपके crunch में proper range of motion नहीं आ रहा, तो फिर क्रंच मारना ही बेकार है, लग रहा है बहुत दूर की बात है। दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट बेसिक्स, प्लीज इसको सही ढंग से सीखो, सही ढंग से जानो और सही ढंग से करो। एनीवे दैट्स वेयर आई एंड दिस वीडियो, दैट्स वेयर आई कंक्लूड दिस वीडियो। छोटा सा था, पांच इजी टॉपिक्स, पांच इजी एक्सरसाइजेस, मेरे हिसाब से हर जन को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मैं जाता हूँ, बाकी सारे वीडियोज़ में आता हूँ। आप ध्यान रखना, ख्याल रखना, मत भूलना बाकी सारे वीडियोज़ देखना। इंग्लिश चैनल, इंस्टाग्राम पेज, एक नया ब्लॉग चैनल जो स्टार्ट हो गया होगा अभी तक, मेरे हिसाब से अभी तक तो स्टार्ट हो जाना चाहिए। एनीवे यू कैन चेक ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देखो एक बार, सीख लो कुछ नया, अगर नहीं जानते हो तो कुछ नया जानने को मिलेगा आपको। अब मैं जाता हूँ, बाकी सारे वीडियोज़ में आता हूँ। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, मिलता हूँ अगले में। चेज़।